कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर बोकारो के सर्किट हाउस में हुई बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की 28 मई को बोकारो में जनसभा की तैयारी के सिलसिले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी उमैर खान के अगुवाई में बोकारो सर्किट हाउस में एक बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव एम चास, नगर पार्षद के पूर्व उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद खान सहित प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश प्रभारी उमैर खान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होने जा रहा है, इसी को लेकर हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि बोकारो के करबला मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश महासचिव अब्दुल वाहिद खान ने कहा कि हम लोग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को लेकर बोकारो के सर्किट हाउस में ये बैठक किए हैं। अब्दुल वाहिद खान ने आगे कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी भी बोकारो के हैं तथा ये कार्यक्रम बोकारो में होने जा रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर ऐतिहासिक बनाएंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार संतोष सिंह, बोकारो जिला अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। प्रभारी जी, क्या चीज को लेकर बैठक हो रहा है, क्या यहाँ पे आज हम लोग बोकारो में जो गृह जिला है, हमारे नव नियुक्त जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन बने हैं जनाब मंजूर अंसारी साहब का, वहाँ के परिसदन में एक बैठक कर रहे हैं कि 28 तारीख को इसी करबला के मैदान में बोकारो में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के MP भी हैं, उनका आगमन होने जा रहा है। एक पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी होगी उनकी, और एक आम सभा भी होगी, जो अभी जो देश के ज्वलित मुद्दे हैं और जो देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उससे पब्लिक से रूबरू होकर इसकी वास्तविकता को बयान करेंगे और लोगों के बीच में आह्वान करेंगे कि अभी मुल्क बड़े विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, इसके लोकतंत्र को बचाना है, संविधान के मूल्यों को बचाना है, तो ये एक बेहतर प्रोग्राम हो रहा है, उसी के लिए हम तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बताइए प्रोग्राम को लेकर क्या क्या कर रहे हैं आप? आज बोकारो परिसदन में हमारे आदरणीय प्रभारी उमैर खान साहब के अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के और जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। आने वाले समय में 28 तारीख को हमारे AICC के चेयरमैन और इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जो हमारे राज्यसभा सदस्य भी हैं, उनके आने की प्रोग्राम तय की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग के रिक्वेस्ट से हमारे जो प्रभारी महोदय हैं उनके नेतृत्व में रिक्वेस्ट किया जाएगा और 28 तारीख का उनका समय यहाँ लिया जाएगा। उसी प्रोग्राम को बेहतर और कैसे अच्छा से अच्छा प्रोग्राम होगा, उसी का लेकर एक बैठक यहाँ पर रखी गई है। अध्यक्ष जी, आप बोकारो से भी हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हो गए हैं, क्या इस बार बोकारो में ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा? निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा, और सिर्फ हमारा प्रयास नहीं, हम एक संगठन से आए हुए व्यक्ति हैं, हमारे सामूहिक हमारे जितने भी लोग हैं उसकी एक प्रयास होगी कि आने वाला जो प्रोग्राम होगा वो 28 तारीख का जो प्रोग्राम बोकारो में होगा वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। आज के बैठक के बारे में बताइए, क्या चीज़ को लेकर किया जा रहा है? आज जो है हमारा बोकारो सर्किट हाउस में एक बैठक होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रभारी जो हैं, प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं, मंजूर अंसारी साहब जो प्रदेश के अभी अध्यक्ष बने माइनॉरिटी के, उसके अगुवाई में एक बैठक हो रही है उनके अध्यक्षता में, मंजूर अंसारी साहब के अध्यक्षता में। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी का एक प्रोग्राम हम लोग बोकारो में लेने जा रहे हैं, सिवंडी करबला मैदान में, उसी पर बैठक पर बात होने जा रही है। आप प्रदेश महासचिव हैं? प्रदेश महासचिव हूँ मैं। आप हैं प्रदेश महासचिव हैं, क्या कैसा प्रोग्राम होगा यहाँ पर? मैं प्रदेश महासचिव हूँ आपका, अल्पसंख्यक विभाग का। हमारा पूरी कोशिश रही कि ये प्रोग्राम जो इमरान प्रतापगढ़ी की पहली बार यहाँ होने जा रही है, वो पूरा जो है ऐसा प्रोग्राम हो जो प्रदेश में भी हो, लगे कि हाँ इमरान प्रतापगढ़ी हमारे बोकारो आए हैं, बोकारो के जो लोग हैं वो बेहतर ढंग से प्रोग्राम को किया अंजाम होंगे। क्या ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा? ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, निश्चित रूप से ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा,
बोकारो ही नहीं पूरे झारखंड में ये नाम हो गया प्रोग्राम का कि प्रोग्राम प्रतापगढ़ी आए हैं कि यहाँ प्रोग्राम जो हुई है बेहतर ढंग से।